Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. टोंक पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने आज अपनी पहली क्राइम बैठक ली और जिले के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह पूरी तरह संगठित अपराधों पर लगाम लगाएं, खासतौर से महिलाओं और छात्राओं के प्रति जिस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं उन सब पर लगाम लगाई जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बजरी खनन जैसे मामलों में राज्य सरकार की जो मंशा है, जो दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपराधों पर लगाम लगाएं, आम जन में पुलिस के प्रति जो विश्वास पैदा होना चाहिए उस विश्वास को पैदा करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आने वाले समय में जो सावन का महीना है, त्योहारों का समय, उसमें पूरी तरह जो टोंक पुलिस है वो मुस्तैद नजर आएगी। देखिए, पुलिस अधीक्षक का पद संभालने के बाद पहली क्राइम मीटिंग आज ली गई, जिसके अंदर समस्त अधिकारीगणों से विचार विमर्श किया गया। मूलतः हमारे जो बेसिक निर्देश यही हैं कि राजस्थान पुलिस ने जो प्राथमिकताएं तय कर रखी हैं राजस्थान सरकार द्वारा दी गई, उसमें अपने को मन लगा के मेहनत करना है। संगठित अपराध, वीकर सेक्शंस के प्रति जो अपराध हो रहा है, वो महिलाओं के प्रति जो अपराध है, वो उस पर अपने को ईमानदारी से प्रभावी कार्रवाई करनी है। आने वाले दिनों में कई तीज त्यौहार मेले हैं और सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें अपने को एक बार लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये रिव्यू किया गया सिचुएशन। और इसके अलावा बजरी खनन जहाँ तक बात है, तो प्रशासन से मिलके, अन्य विभागों से मिलके सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप प्रभावी और अच्छी कारगर कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को भी कार्रवाई हुई है बरौनी थाना क्षेत्र में माइंस के साथ मिलकर, तो अच्छी कार्रवाई आगे भी की जाएगी और ये एक अच्छी पहल हमारी तरफ से। देखिए, हमारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उस पर्टिकुलर इशू पर है। एक लड़की से के साथ बलात्कार का जो FIR दर्ज हुई थी, उसमें ऑलरेडी एक मेन मुलजिम अरेस्ट कर लिया गया था। बाकी जो शेष मुलजिम लड़की ने बताए वो फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें, टेक्निकल टीमें उनके पीछे लगी हुई हैं। किसी भी तरीके से मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा। और लोकेशंस भी हमें मिली थी, वहाँ छापामारी भी की गई, पर वो आदमी वहाँ नहीं मिला है। ईमानदारी से, मजबूती से हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। हमारा यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई कल जो धरना देने वाले हैं या प्रदर्शन करने वाले? बिल्कुल, निरंतर वार्ता उनसे जारी है। हम कोशिश करेंगे उनको समझाने की कि पुलिस चूंकि अपना काम जो न्यायसम्मत काम है चल रहा है, हम कर ही रहे हैं, तो हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो यदि अपनी बात रखना चाहें तो हमारे से आके मिल सकते हैं, हमें कह सकते हैं, क्योंकि हम उनकी जो मांगे हैं उनके अनुरूप पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।